आज का गेम देखने के बाद, ये रात के 3 बज रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लो तुम, है ना, रात के 3 बज रहे हैं, 3:05, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया भाई रिकॉर्ड करने से ये वीडियो। क्या खेले हैं हम, क्या कम बैक करें, और तुमको पता क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत वीडियोज में बोल चुकी कि बार्सिलोना इज़ बैक, बार्सिलोना इज़ बैक, बट आज लिटरली फील हो रहा है कि बार्सिलोना इज़ बैक। क्यों पता, मैं बता रहा हूँ। देखो सीन ऐसा ना दोस्तों, कि एक समय था, यू नो व्हाट, कि बार्सिलोना 60-70 मिनट में मेंटली हार जाती थी गेम को, हम गिव अप कर देते थे यार ऑन द पिच, कि यार हो गया, देख रहा है यार अब कैसे जीतेंगे भाई, वो दिन चले गए हैं। आज का मैच देखने के बाद एक चीज जो है वो एकदम जो है वो कंफर्म हो चुका है कि विद द राइट मैनेजर, विद द राइट मेंटेलिटी, इवन सम डेड प्लेयर्स, एंड आई एम रियली सॉरी टू से लूक डियोंग अ डेड प्लेयर, बट देखें हम कितना गोट कर ले, वी ऑल नो व्हाट अ प्लेयर ही इज नॉट अ डेड प्लेयर ऑब्वियसली, बट आई एम जस्ट गिविंग आउट एन एग्जाम्पल कि एक डेड प्लेयर भी विद द राइट मैनेजर, विद द राइट मेंटेलिटी स्टेप अप करना सीख जाता है। अब उस्मान डेम्बेले को ले लो ना यार, ही वॉज डेड, एर्नेस्टो वेलवेडे कह रहा में, कीके सेटियन कह रहा में, रोनाल्ड कोमैन कह रहा में, उस्मान डेम्बेले वॉज डेड, एंड लुक एट हिम राइट नाउ, चावी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई बंदे को। लूक डियोंग को रोनाल्ड कोमैन खरीद के लेकर आया, एंड रोनाल्ड कोमैन उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, एंड लुक एट लूक डियोंग, अब भाई वो इंपॉर्टेंट मोमेंट में स्टेप अप करता है। एब्सोल्यूट क्रेजी चेंजेस चावी ने इस टीम को मेंटली दे दिया। आई एम नो वन टू यू नो व्हाट टॉक अबाउट टैक्टिक्स, कि चावी ने क्या चेंज किया क्या नहीं चेंज किया, बट एक चीज जो चावी ने चेंज करी और वो है मेंटेलिटी, और वो आज की गेम से हमको साफ समझ में आ गया। वी वेंट डाउन इन दिस गेम कपल ऑफ टाइम्स, हमने पेनाल्टीज दिए सिली, एंड देन लुक हाउ ब्यूटिफुल वी केम बैक इन दिस गेम फ्रॉम बिहाइंड। दिस इज बार्सिलोना, दिस इज एफ सी बार्सिलोना, एंड वी आर बैक अगेन इन यूरोप। भाई साहब आज का गेम देख करके दिल बाग बाग हो चुका है। मैनचेस्टर वर्सेस लिवरपूल भी देखा, बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, बहुत प्यारा गेम, मजा आ गया देख करके, एंड देन चेरी ऑन दी केक, बार्सिलोना वर्सेस लेवांटे, कम बैक हुआ है डेड मोमेंट्स में। भाई एज अ बार्सा फैन आई एम लेविटेटिंग राइट नाउ। भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट द गेम, बट गेम के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट यू नो व्हाट वन फुटबॉल। वन फुटबॉल इज़ द बेस्ट फुटबॉल है फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। भाई साहब अगर आप जो है एक फुटबॉल फैन है तो आपको वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया जहाँ की फुटबॉल न्यूज़ डायरेक्टली आपके फोन में वन फुटबॉल ऐप दे देता है। साथ ही साथ आपको लाइव मैचेस के लाइव स्कोर्स, टीम शीट, प्रीव्यू, रिव्यू, हर एक चीज़ जो है वो वन फुटबॉल आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो देरी किस बात की भाई साहब, फुटबॉल फैन हो डाउनलोड करो वन फुटबॉल को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एनीवेज भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। तो आज की गेम की ना लाइनअप देख करके एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी कि चावी इज़ फोकसिंग ऑन यूरोपा लीग, एंड ही शुड फोकस ऑन यूरोपा लीग। देखें लालीगा को थोड़ा सा भी हल्के में लेना जरूरी है, वी नीड टू रोटेट आर प्लेयर्स एंड पुट आर बेस्ट लाइनअप इन यूरोपा लीग, क्योंकि हम यूरोपा लीग जीत सकते हैं। टॉकिंग अबाउट लालीगा, हाँ हम लालीगा जीत सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन उसके लिए रियल मैड्रिड को बहुत गंदे तरीके से बॉटल करना पड़ेगा, जो रियल मैड्रिड नहीं करने वाली है, क्योंकि दो सर्कमस्टेंसेस। नंबर वन, रियल मैड्रिड की फॉर्म इज टॉप नॉच, एंड कई बार जब फॉर्म टॉप नॉच नहीं रहती है तो रेफरीज थोड़ा सा मदद करते हैं रियल मैड्रिड को। ठीक है, नो हेट कमेंट्स प्लीज, बट एनीवेज रियल मैड्रिड नहीं बॉटल करने वाली है इन व्हाटसोएवर द केस में भी। टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, यस हम जीत सकते हैं लालीगा, बट ऑब्वियसली जब तक हम मैथमेटिकली इन हैं वी आर प्लेइंग इन लालीगा, बट बहुत मुश्किल है वो चीज़ होना, तो इसलिए हमको ज़रूरी है यूरोपा लीग में फोकस करना, एंड वी कैन गो हैड एंड विन यूरोपा लीग, क्योंकि वी आर बैक इन बिजनेस, बार्सिलोना इज बैक इन बिजनेस। भाई साहब हम लिटरली जाकर के यूरोपा लीग जीत सकते हैं। तो आज की लाइनअप में हमको हैवी रोटेशंस देखने को मिले थे, डेनियल लुइस खेलते हुए हमको नजर आया, रोनाल्डो अराउहो का खेलना जरूरी था, जेरार्ड पीके बाहर हैं ऑब्वियसली इंजरी के चलते, तो एरिक गार्सिया स्टेप अप करते हुए दिखे। क्या गेम था, एरिक गार्सिया का बात करूंगा उसके बारे में, जॉर्डी एल्बा स्टार्ट करने हुए देखने मिले, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्लेयर है नहीं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, एंड टेस्ट चिकन स्टार्ट कर रहे हैं। मिडफील्ड के बारे में बात करनी है हमको, नीको को स्टार्ट में देखने को मिला है, एंड नीको की स्टार्ट बिल्कुल बनती थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार कब तक पेड्री गावी को देखेंगे, हमने पेड्री को पूरे इस्तेमाल किया सीजन पिछले और हमने देखा इंजर्ड हो गया था, एंड गावी ऑब्वियसली 17 साल का लौंडा है भाई, वी कैन नॉट स्टार्ट हिम इन एवरी सिंगल गेम, एंड नीको को वेल डिजर्व स्टार्ट यहां पे हमको देखने को मिला। फ्रेंकी डी यॉन्ग स्टार्ट करते हुए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो अनयूजुअल था फ्रेंकी के लिए, और इसके चलते फर्स्ट हाफ बार्सिलोना ने स्ट्रगल करी। बुस्केट्स टॉप लाइन ऑब्वियसली उस्मान डेम्बेले, अबोमेंग एंड फेरान टोरेस,
ऑप्शंस हैं, अडमा ट्रेवरे वगैरह हैं, बट उस्मान डेम्बेले की मैच शार्पनेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि अब वो फिटनेस रिगेन कर चुके हैं, तो वी नीड हिम टू बी वेरी शार्प, एज शार्प एज ही कुड भाई साहब गेम में परफॉर्म करने के लिए। सो ये हमको लाइनअप देखने को मिली एंड मिडफील्ड देख करके तुम क्लियर था कि हम अपने बेस्ट मिडफील्डर्स को सेव करना चाह रहे हैं फॉर दैट फ्रैंकफर्ट वाला गेम जो कैंप नाउ में होने वाला है। टॉकिंग अबाउट लेवांटे, लीथल एंड एज अ बार्सा फैन जो बार्सा को इतने समय से दिखते हुए रहे, द अवे गेम्स लेवांटे में भाई साहब आर नेवर इजी, क्योंकि लेवांटे में भाई साहब एक बंदा है जिसका नाम है मोरालेस जो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। देखें गेम के बारे में बात कर लूँ, फर्स्ट हाफ वॉज हॉरिफिक फॉर बार्सिलोना, द बेस्ट प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना के थे अराउगो एंड एरिक गार्सिया, इसके अलावा हर एक प्लेयर जो है वो ऑफ नजर आ रहा था, अबोमयांग तो मेरे को नजर ही नहीं आया था फर्स्ट हाफ में। टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले एंड फरान टोरेस, देखें उस्मान डेम्बेले हैड हिज मूवमेंट्स इन द वेरी फर्स्ट हाफ बट ऑब्वियसली लेवांटे इतना अच्छा प्रेस कर रही थी कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड सीइंग द वेरी फर्स्ट हाफ। नीको डिडंट हैड अ वेरी गुड गेम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यार नीको वो पोजीशन में बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रहा था। फ्रेंकी डियोंग भी थोड़ा सफर कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड के पोजीशन में। बुस्केट्स हैड हिज मूवमेंट्स इन द गेम बट वन प्लेयर जो आज के गेम में थ्रू इन एंड आउट अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो था डेनी एल्विस। देखें डेनी एल्विस इज अ वेरी वंडरफुल प्लेयर, आई कैन नॉट यू नो वॉट वाउच फॉर इट, बट यू नो वॉट हर एक गेम में कैसे बंदा परफॉर्म करेगा यार। आज का गेम वॉज वन ऑफ दोज गेम्स डेनी एल्विस का जो स्टार्टिंग मूवमेंट से ही ऑफ था, पहला ही आप कह सकते हो शुरुआत के 20 सेकंड में उसने एक स्क्वायर पास बहुत ही गंदा जो है वो मोरालेस को दे दिया था जिसके चलते शॉट भी बहुत अर्ली 20-30 सेकंड में ही मिल गया था लेवांटे को, शायद उसके चलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ डेनी एल्विस का, या फिर यू नो वॉट ही इज प्रोफेशनल, खैर वो तो हो नहीं सकता है, बट एनीवेज आज का गेम डेनी एल्विस का बहुत ऑफ था। फर्स्ट हाफ में लेवांटे जो प्रेस कर रही थी पोजिशन बना रही थी आई वॉज वेरी टेरिफाइड यू नो वॉट देख करके कि भाई साहब कैसे बार्सिलोना खेल रही है यार, क्यों अपन ऐसा खेल रहे हैं, बट यू नो व्हाट एक चांस मोरालेस का भाई साहब मैसी टाइप भाई ड्रिबल पास्ट हमारे पूरी मिडफील्ड हमारी पूरी डिफेंस एंड देन टर्स्टेगन के पास जाते हैं, टर्स्टेगन भाई साहब सेव करते हैं और फिर वो सेव भी नहीं होता है, पोस्ट से लग करके वापस छिटक के बॉल जाती है गोल लाइन में, हो रही थी वो गोल होते होते एरिक गार्सिया ने बचाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ एरिक गार्सिया। भाई वो पेनाल्टी दिया आज के गेम में, आई टोटली एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, बट एरिक गार्सिया वॉज टॉप नॉच आज के गेम में डिफेंस वाइज। तो फर्स्ट हाफ बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी एंड यू नो व्हाट द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना वॉज अराउगो एंड एरिक गार्सिया एंड टर्स्टेगन एज वेल। अगर ये तीन प्लेयर आज के गेम में आज के फर्स्ट हाफ में स्टेप अप नहीं करते तो हमको जो है वो फर्स्ट हाफ में गोल्स बार्सिलोना खाते हुए नजर आ जाती। द वेरी फर्स्ट गोल केम सेकेंड हाफ में जो जोसे की तरफ से भाई साहब पेनाल्टी हमको देखने को मिला, पेनाल्टी स्कोर करते हैं जोसे, ऑब्वियसली टर्स्टेगन बीट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कूद जाता था टर्स्टेगन, राइट हैंड साइड जो है वो जोसे मारे थे एंड दैट पेनाल्टी वॉज यू नो वॉट थोड़ा सा स्टूपिड, बट क्या कहोगे अब पेनाल्टी होती है मिल गई। अब ये पेनाल्टी के बाद ऐसा लग रहा था कि शिट यार अब क्या होगा, अब हमको जो है वो दिक्कत पड़ जाएगी यार, बार्सिलोना दिक्कत में पड़ जाएगी क्योंकि पहला गोल लेवांटे मार दी है, कम टाइम बचा हुआ है, क्या हम कम बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो व्हाट ये दो तीन साल के यू नो व्हाट ये फियास्कोस के बाद वो हमेशा हम कम बैक करने से जो है वो चूकते हैं, ये सब के बाद ना यार मैं सच बात बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ बार्सिलोना को कम बैक करने के लिए, मतलब पुरानी बार्सिलोना रहती ना तो मैं तो बता रहा अपन तो पक्का कम बैक करने वाले हैं, लेकिन पास्ट ऐसा हॉन्ट करता है ना कि क्या बताऊँ। तो पेनाल्टी गोल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू बी यू नो वॉट कम बैक ये सब करके, एंड देन यू नो वॉट सब्स्टिट्यूशन आए, गेम चेंज हुआ, सब्स्टिट्यूशन आए, नीको बाहर गए पेद्री आया, फ्रेंकी डियोंग बाहर गए गावी आया, एंड गावी एंड पेद्री ने मेरे को जो इनिएस्टा एंड चावी वाले वाइब्स दिए हैं भाई, आई एम अ बार्सा फैन who has watched Barcelona back in days, back in times, जब बुस्केट्स चावी एंड इनिएस्टा की मिडफील्ड होती थी, मैसी ऊपर फॉल्स नाइन रन बनाता था, भाई साहब वो फील आज के मिडफील्ड में मेरे को देखने को मिली है जब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। और यू नो वॉट ऐसा बार्सा फैन, इट फील्स माई हार्ट यू नो वॉट सींग चावी मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, गावी एंड पेद्री खाना ये चावी करते हैं भाई, history repeating itself and who else is you know what making that history to repeat, Xavi himself, bhai sahab, very beautiful. anyway so yeah
इन दोनों के आने के बाद फ्रेश लेग्स आई मिडफील्ड में, लेवांटे थक चुकी थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले दोनों की तरफ से देखने को मिला, बट दी वेरी फर्स्ट गोल केम फ्रॉम उस्मान डेम्बेले एंड ऑब्वियसली नीको नहीं था, तो गावी के फ्रेश लेग्स जो है वो नीको की साइड को इंटीरियर, मतलब डेम्बेले को वापस बार बार कट इन साइड नहीं करने को जो है वो करना पड़ रहा था, क्योंकि नीको उस चीज़ में बहुत गंदा फेल हो रहा था, तो बार बार डेम्बेले कट इन साइड कर रहा था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली नीको सॉरी गावी के आने के बाद डेम्बेले को वो चीज़ करनी नहीं पड़ी एंड डेम्बेले ने भाई साहब बहुत प्यारा असिस्ट दिया अपने ये ओबामेयांग को, और ओबामेयांग जो है वो स्कोर करते हैं 1-1 जो है वो बार्सिलोना जो है वो इक्वलाइज कर देती है। इसके बाद मेरे को लगा हाँ हम अब जो है वो कमबैक कर सकते हैं। सेकंड गोल गेम फॉर बार्सिलोना फ्रॉम पेड्री एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल, यू नो व्हाट, चावी इनिएस्टा वाइब्स भाई साहब, यहाँ पे पास आता है पेड्री का और गोल सॉरी पास आता है गावी का और गोल मारते हैं पेड्री भाई साहब, मज़ा आ गया गोल देख करके। एंड देन यू नो व्हाट, लेवांटे ने बहुत सारे चेंजेस बना लिए, कम से कम 4-5 सब्स्टिट्यूशंस हुए थे लेवांटे की तरफ से, बट नन ऑफ दोस वर इफेक्टिव इनफ, क्योंकि हमारी मिडफील्ड बहुत ही ज़्यादा अब स्टेबलाइज हो चुकी थी। बट देन भाई साहब लॉन्गले को लाया गया एंड एल्वेस को हटा करके, क्योंकि एल्वेस थक चुके थे और लेवांटे ने बहुत सारे चेंजेस बना दिए थे एंड यहाँ पे जो है वो लेवांटे को एक बहुत ही गंदा पेनाल्टी लॉन्गले ने दे दिया भाई साहब। लॉन्गले इज हॉन्टिंग अस अगेन, पुराने सीजन टाइम, बट क्या बोलोगे, 2-2 हो जाता है, पेनाल्टी स्कोर होती है, मार्क टेस्टिंगन नहीं बचा पाते हैं एंड यू नो व्हाट, एक पेनाल्टी और जो है वो बार्सिलोना ने दी थी जिसको टेस्टिंगन ने बचाया था एंड गेम टर्न हुआ वहाँ पे। अगर टच चिकन वो पेनाल्टी नहीं बचाते तो मेरे ख्याल से गेम अलग साइड जा सकता था, बट वो टच चिकन की पेनाल्टी से वॉज ब्रिलियंट एंड गेम बचाया उसने और गेम को टर्न किया वहाँ पे। एंड देन एट द एंड भाई साहब दो चेंजेस और किए गए, ट्रेवरे आए, लूक डियोंग आए, जो बहुत ही अच्छे से प्रूव करता है कि चावी वॉन्टेड टू विन दिस गेम बैडली। एंड भाई साहब जॉर्डी एल्बा द किंग ऑफ असिस्ट भाई साहब, टिपिकल फ्रॉम द लेफ्ट विंग, एंड हु एल्स टू फिनिश दैट बॉल, लूक डियोंग। रोनाल्ड कोमैन वॉज राइट एक जगह पे, जहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि रोनाल्ड कोमैन वॉज राइट, वॉज सेइंग कि नेमार से ज़्यादा लीथल है लूक डियोंग जब क्रॉसेस अंदर आते हैं एंड ऑफकोर्स वो हमको देखने को मिला लूक डियोंग की तरफ से भाई साहब, गोल खाने को मिला लेवांटे को भाई साहब। गेम एंड होता है 3-2, हम कम बैक करते हैं बहुत ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस से जो लग नहीं रहा था कि कम बैक कर पाएंगे, मैं तो ड्रॉ एक्सपेक्ट कर चुका था आखिरी तक, बट जब तक लूक डियोंग गेम में है तुम ड्रॉ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो बार्सिलोना की तरफ से, क्योंकि लूक डियोंग चेंज करते हैं गेम को एंड मैं फिर से कहूँगा विद द राइट मैनेजर विद द राइट मेंटेलिटी यू कैन चेंज द टीम भाई साहब, नो बैटर आपके पास कैसे कैसे प्लेयर हो, अगर आपके पास एक मैनेजर है जो सही मेंटेलिटी प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली गेम आपके हाथ में जा सकती है। Anyways, the next game is Frankfurt, भाई साहब कैंप नाउ में वी नीड टू विन दैट गेम, 1-1 ड्रॉ करके आए हैं एंड वी नीड टू स्टेप अप एंड ऑब्वियसली यूरोपा लीग में जो है वो नज़र है चावी की, क्योंकि आज की लाइनअप के पिक से समझ में आ गया था कि वो है। एंड आज की वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो आई एम रियली सॉरी, मैं आखिरी में थोड़ा सा स्टंबल करा हूँ आज की वीडियो में क्योंकि मेरे को आ रही है नींद, बट यू नो वॉट, वर्क एथिक्स और वर्क एथिक्स, कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मेरे को आज ये वीडियो 3 बजे बनाना था एंड आई वॉज ऑब्वियसली एक्साइटेड इनफ टू टॉक अबाउट दिस गेम। आज का गेम देखने के बाद आई नो यू नो वॉट, आई वॉन्ट टू किस दिस मैच, आई लव माई क्लब। आज का गेम देखने के बाद आई लव दिस क्लब मोर भाई, बहुत प्यारा गेम यार, विस्कल बार्सा, जय।